तो एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खींचतान के बाद गठबंधन की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट बंटवारे पर बात हो रही है। हालांकि निषाद पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों में से 2 की डिमांड की है और इसे लेकर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद दिल्ली में बात करेंगे। उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इधर भी पेच है, उधर भी संकट है। न तो विपक्षी गठबंधन के बीच बात पूरी तरह से बन पाई है और न ही बीजेपी के सहयोगी से सीट पर डील फाइनल हो पाई है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद ऐसी खबरें सामने आई हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सिर्फ एक सीट देने की तैयारी कर चुकी है। मीरापुर सीट बीजेपी ने आरएलडी को देने का प्लान बनाया, तो वहीं बाकी सहयोगियों के लिए एक भी सीट न छोड़ने की बात सामने आई है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी उपचुनाव में लगातार 2 सीटों पर दावा करती आई है। निषाद पार्टी ने मझबा और कटहरी सीट की डिमांड की है, लेकिन बीजेपी की बैठक के बाद से ये कयास लगने लगे हैं कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब निषाद पार्टी इन दोनों सीटों को लेकर बीजेपी से बात करने की तैयारी में है। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद दिल्ली जाकर दोनों सीटों पर अपनी बात रखने वाले हैं। मीडिया का बयान है, अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं। जो हमसे बातचीत हुई है उस पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का पहले भी सम्मान करती रहेगी, अभी भी आगे करेगी। एक तरफ संजय निषाद बीजेपी आलाकमान से बात करने के मूड में हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो उनको मंजूर होगा। कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मजबूती से लड़ता है और जीत सुनिश्चित है। हमें जीत सीट नहीं, जीत के लिए हम लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, निर्णय लेती है। अभी उनकी बैठक हुई है, अब हम दोनों की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिए जाएंगे और बेहतर परिणाम आएंगे। फिलहाल यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवम्बर को वोटिंग होगी, वही 23 नवम्बर को नतीजे आएंगे। अब चुनाव से पहले गठबंधन में सीटों को लेकर बात कैसे बनेगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।